सुबह का नाश्ता तैयार हो गया है, पराठा ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। जिसने भी खाना है आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मोमना और मुनज़्ज़ाब काफ़ी बेहतर हैं और अगर वो बेहतर ना हो तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मुनज़्ज़ा जो है उसको खांसी हो रही है, सर्दी असल में बढ़ गई है, सुबह सुबह धुंध यकदम ही धुंध आ गई थी, इस वजह से इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। अब ये इधर लिपट के बैठ गई है पापा के साथ। तो हम अभी नाश्ता करते हैं। एक ये पहले ये देखें, ये पराठा आ चुका है। नाश्ता करना है मुनज़्ज़ा? अच्छा, मज़ा कह रही मैंने ये वाली जगह से लेना। अच्छा अभी हम चलो खाते हैं। लस्सी के साथ खाएं? मैं लस्सी के साथ खाऊंगा, आपने ऐसे ही खाना है। ओके, आप दही के साथ खा लेना। मज़ा की और मोना की तबीयत बहुत ख़राब है तो हम लोग दवाई लेने जा रहे हैं। आज मैंने शॉप नहीं खोली क्योंकि मज़ा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, खांसी बहुत ज़्यादा थी। वैसे ठीक है, बस खांसी जो है ना लगातार आ रही थी। नहीं, लगातार खांसी कर रही थी तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। तो इसको दवाई पहले लेके देते हैं फिर कुछ काम करें। दस बल्टी लपेट छुड़ा दी पहले ही। डालो मुनज़्ज़ा, नहीं डाल रहा ऊपर। मैं डालू नहीं डाल रहा। अब हम लोग वापस आ चुके हैं। ये तीनों बच्चे मेरे बैठे हैं, मुनज़्ज़ा, मोमना और ज़ैर। अब मोमना की तबीयत कुछ बेहतर है। रास्ते में रुक गए थे मेरी पुप्पो की तरफ, वो रास्ते में ही थी गाँव एक। असल मेरा कज़न मिल गया था रास्ते में, जैसे हॉस्पिटल से निकले वापस आ रहे थे तो वो बाइक लेके पीछे आ गया हमारे कि अब तो घर जाना पड़ेगा। तो फिर वहीं से उनके घर चले गए और वहाँ तकरीबन 2-3 घंटे में लग गए। और एक तो वहाँ पर मोबाइल के सिग्नल भी नहीं होते बिल्कुल, वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता। और दूसरा वहाँ फिर वीडियो भी नहीं बना सका क्योंकि फैमिली के अंदर बैठे हुए थे, लेट हो गई, इसलिए रास्ते में नहीं बनाई। अभी आए तो मैंने मेरे सर में बहुत दर्द था तो दवाई वगैरह ली है, तो अब काफ़ी बेहतर। अब छत के ऊपर बैठे हूँ तो मैंने बच्चों के साथ बच्चों को यहाँ लेकर आया। थोड़ी बहुत धूप आ रही थी, ये बिल्कुल सूरज जो है वो ग्रूब होने वाला है। क्या भाग गया? ओ डॉग, वो देखो इतना बड़ा डॉग, वो आगे ज़ैद जो है ना वो घर पे ही रहा है सारा दिन। हम लोग हॉस्पिटल गए थे, ये देखें इसके जो है ना मुनज़्ज़ा ने सर इसको इधर दिखाओ, ये नाखून मारा था तो ये निशान आ गया। और मैंने वो रहती है। अब मुनज़्ज़ा उधर बैठी है क्योंकि वो सामने डॉग है ना, तो इसलिए डर कर उधर बैठी है। साथ। आपके साथ अब डॉग की जरूरत है।
ये आप लोग क्या कर रहे हो इधर? नाथ पढ़ रही थी ये माइक बना के नाथ पढ़ रही थी। चलो पढ़ो फिर से पढ़ो। अली मादा प्यारा तेरा मीना दशा आका मेरा सोना सोना आका मेरा सोना तोड़ सोने सोने आ मीना दा प्यारा तेली मदचैन आका मेरा सोना ते सोने नैन अली मादा प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा आपने नज़ा मुमना जो है वो स्कूल के अंदर भी नात पढ़ती है जब भी कोई असम्बली में भी और वैसे कोई फंक्शन हो तो। अब ये मुनज़ा पढ़ रही है। चलो अल्लाह अल्लाह मेरे बोला अल्लाह कह रही थी अल्लाह अल्लाह मोहम्मद बोला मैं पढ़ू अल्लाह अल्लाह मोहम्मद ऐसा गुब्बारा अली मंजूर दुआ करेगा जब वक्त मुनज़ा छेड़ रही है उसको और मुनज़ा खुद भी नहीं पढ़ रही और आगे से माइक ले लेती है प्लास्टिक वाला माइक है। ये मेरा माशाल्लाह जी ये सब आपके सामने अभी इसकी कुछ तबीयत बेहतर हुई है। रात को असल में इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था और इतना पसीना आया क्योंकि शाम को मैंने यहाँ जो लोकल डॉक्टर है ना उससे दवाई ली थी और उसने इंजेक्शन भी लगाया लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और तेज़ हो गया था और बुखार जो है ना वो रात को तेज़ हो गया। दवाई वगैरह जो दी थी ना टैबलेट वगैरह उससे पसीना इसको बहुत आया लेकिन इसने ऊपर से रात तो छोड़ में नहीं जो रजाई ऊपर से वो उतार दी थी। मैंने दोपहर को भी नहीं खाना खाया मेरा दिल नहीं था रात को आलू अंडा भी नहीं खाया रात को की वजह से कोई खाना खाने का फर्क ही नहीं पड़ता। अब तबीयत बेहतर है थोड़ी थोड़ी। हाँ ये मुनज़ा भी अब ट्राई कर रही है लेकिन वो पढ़ नहीं सक रही अभी तक। सूरज कहाँ गया? वो है वो देखो पापा वो कैमरे में हल्का सा नजर आ रहा है। ये इधर दिखा वो दिख रहा है इधर सारा इधर है इवन इधर पापा करो वो नहीं दिख रहा वो जरा सा है बस इतना सारा अब नजर आ रहा है बिल्कुल। ये पीछे आइटम वो देखो पीला सा हाँ। ये छोटी हाँ। सी अभी लग रही है अभी मैं जो है ना ये उंगली दिखाऊंगा ये मेरे नाखून से बिल्कुल ऊपर सूरज है उधर जाकर पीछे
वो लड़का भी खड़ा हो गया, ऐसे लगता है उसने सर पे सूरज उठा लिया और नीचे चला गया। अब वो नीचे चला गया। वो है पीछे, इसको थोड़ा जूम करते हैं ना, अब देखो अब सूरज सही नजर आया। ऐसा लग रहा है वो इमोजी नहीं होता जैसे वो बना हुआ है, और वो लड़का ऐसे साथ में खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सर पे सूरज उठाया हुआ है। वो खड़ा है। हाँ चलो इसकी जूम खत्म करें। नहीं अभी अभी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये अभी भी 7 मिनट की है और जो स्टार्ट की थी वो चले जी। अब हम लोग भी नीचे चलते हैं, बच्चे जो है माशाल्लाह काफी बेहतर हैं, तो अब इसके साथ ही हमें ये मैंने चौथी आराम से लिया था। हाँ ये देखिए, ये मैं इसके इस जो है ना बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और ये सऊदी अरब से मैंने 10 रियाल का उस टाइम लिया था। अभी अगर ये इसकी प्राइस हो तो दुगनी चुगनी हो जाएगी। ये पहले इसको बड़ा था, अब माशाल्लाह बिल्कुल पूरा है। तो अब इजाज़त चाहते हैं जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ आउन कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा जी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।